बुरा है आपका गाना? बन के बारिश जो है मुंबई, तो आपको पता ही है फेवरेट, मानसून को हम लोग वेट करते हैं जितने भी हम मुंबई महाराष्ट्र हैं कि मानसून आए, फिर हम लोग घूमें फिरें, क्योंकि धूप और गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं मानसून। तो इसको देख के ही हम लोगों ने, अल्ताफ भाई ने ये गाना डिसाइड किया था हम लोगों ने आज से 4 महीने पहले कि मानसून के टाइम पर हम गाने को रिलीज़ करेंगे। और जो गाना है ये मानसून से रिलेटेड ही है और बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है ये एक कपल के बीच में। इनका और मेरा तो शुरू से, हम लोग अल्ताफ भाई और मैं ऐसे ही गाने सेलेक्ट करते हैं। तू मेरा सनम जो गाना था इससे पहले उसमें भी बहुत प्यारी सी रोमांटिक सी स्टोरी थी और बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था वो। तो यही हम लोगों ने अभी 5 साल, मुझे 4 से 5 साल लगे इनके साथ दोबारा काम करने के लिए। तो आप कैन यू इमेजिन, तो 5 साल में सिलेक्शन मेरे को चाहिए था कि बेस्ट ही हो। एक हम सुपर डुपर हिट दे चुके हैं, तो अभी भी जो दूसरा गाना आएगा वो भी सुपर डुपर हिट ही होना चाहिए। तो बन के बारिश एक दिन जम के तुम मुझ पर बरसो ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। मैं तो बोलता हूँ ऑडियो तो आप प्लेटफॉर्म पे यू कैन चेक, जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो बहुत प्यार दे रही है इस गाने को। बस अब वीडियो का टाइम है, वीडियो रिलीजिंग पे और सुपर डुपर धमाल करने वाला है। अल्ताफ भाई इसके सिंगर हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। एक्चुअली आज से 3 महीना पहले 3 to 4 months पहले हम लोग की बात हुई थी कि एक गाना तो करते, बहुत दिनों के हम लोग साथ में गाना नहीं किए। एक गाना हमने किया था नैनो की बात नैना जाने, वो बहुत चला था। उसके बाद फिर हमने सोचा था कि एक सॉन्ग ऐसा करते हैं जो अब वैसा ना हो, कुछ और हो, डिफरेंट हो। तो हमको लगा कि बारिश आने वाली है और मेरा हर साल बारिश में एक सॉन्ग होता है, इसके पहले भी एक इश्क वाली बारिश था और बारिश में मेरे सॉन्ग, एक सॉन्ग तो बारिश का मैं करता ही हूँ। तो मैंने सोचा इस बार बारिश वाला सॉन्ग जीत के साथ कर लेते। तो और मेरी जो वॉइस है, मेरा जो टेक्सचर है वो जीत के पर्सनैलिटी भी सूट करता है बहुत, मतलब ही लुक्स मोर रोमांटिक इन माई वॉइस। तो मैंने सोचा चलो ये बारिश वाला गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है तो इसमें ये वाला गाना जीत के साथ करते हैं। और गाना बहुत अच्छा हुआ, बट गाने को टिपिकल हमने नहीं रखा, मतलब जो स्लो नहीं रखा इसको, मतलब थोड़ा सा पेपी सॉन्ग है, थोड़ा सा म्यूज़िक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और साथ में इसका म्यूज़िकल ट्रीटमेंट भी हल्का सा ऐसा किया है कि थोड़ा सा कोई डांस भी छोटा मोटा कुछ कर सकता है, छोटे मोटे स्टेप्स कोई कर सकता है, मतलब इस टाइप का इसको रखा है। ये लोकेश हमारे बड़े भाई हैं, सबसे पहले मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा थोड़ी सी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जो बैक एंड द कैमरा बहुत सपोर्ट करते हैं, ये लोकेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद बहुत है। देखो छोटे भाई की तरह हैं, मैं तो अपने भाई को सपोर्ट करने आया हूँ। और ख़ास तौर से क्या है कि जनता को गाना पसंद आता है, पब्लिक को पसंद आता है तो वैसे ही सुपर डुपर हिट हो जाता है। लेकिन ये गाना मैंने पूरा देखा है, जीत ने और निकिता ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है और अल्ताफ जी ने बहुत सुंदर गाना गाया है और डायरेक्टर जो है नरेंद्र जी, उन्होंने बहुत प्यारा शूट को, सुकून मिलता है। तो खास तौर से बरसात तो सब इस मौसम में हर जगह ही होती है धीरे धीरे कहीं ना कहीं, लेकिन इस गाने को सुन के ऐसा लगेगा कि बरसात ना भी हो रही तो हो, हमको अच्छा लगे। और मेरे जो छोटे हैं बिल्कुल बड़े प्यारे हैं, सब बड़े अजीज हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके लिए और मेरी हमारी देश की प्यारी जनता से रिक्वेस्ट है कि इस गाने को देखें और देख के अपना प्यार दें, क्योंकि हम लोग कहेंगे भी कि आप अपना प्यार दें, लेकिन प्यार आप तभी देंगे जब गाना अच्छा होगा। वाकई गाना बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा गाना है, आपको अच्छा लगेगा और आवाज़ बड़ी प्यारी है, सबने एक्ट बड़ा प्यारा किया है, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। अच्छा अच्छा बढ़िया बोले आप। ये हमारे अनदर डायरेक्टर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, जल्दी हम लोग फिल्म भी करने वाले हैं, ऐसी बोल देता हूँ, क्या पता बोले बुलाए में फिल्म दे दें मुझे। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मैंने भी गाना देखा और बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूँ, कई गाने कोरियोग्राफ कर चुका हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गाना बहुत अच्छा है, डीआई बहुत अच्छा हुआ है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है और जैसा कि लोकेश भाई ने बोला कि लोकेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, शिमला की लोकेशंस जो है बड़ी खूबसूरती से उसको पिरोया गया गाने में। और अल्ताफ जी का म्यूज़िक है और जीत भाई को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, गाने को देख के जीत भाई और जो निकिता की केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी लग रही है गाने में, तो अच्छा लगा गाना। और मैं सिर्फ दुआ करूँगा कि ये बन के बारिश की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलूँगा और ये गाना आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसको सुपर डुपर हिट करिए बस। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारी प्यारी देश की जनता है, हम लोग भी सब मीडियम फैमिली के लोग हैं, कहीं ना कहीं जितने भी अपनी कोशिश करते रहते हैं, अगर कहीं किसी की वजह से कोई मिस्टेक भी है, कुछ अगर गलती भी लगती है तो उसको गलती ना समझ के ये समझें कि नए लोग हैं और मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मनोबल बढ़ाएंगे तो कुछ आगे और अच्छा करेंगे। और उसमें कमियां निकालने के लिए तो हम बड़ी बड़ी फिल्मों में भी निकालते हैं हमेशा, तो हमारा अगर इनका भाइयों का और इनका सबका मनोबल बढ़ाएंगे तो और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे दें और धीरे धीरे जितने इस लेवल के लोग हैं हमारे मीडियम फैमिली के, इनको बढ़ावा मिलेगा और ये भी कुछ कोशिश करेंगे आगे।
इसलिए नरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा शूट किया है, नरेंद्र गेड़िया जो हमारे डायरेक्टर हैं, सब ने अपने अपनी बेस्ट बेस्ट जान डाल दी है। सितारा था, फिर सितारा हुआ, फिर सितारा हुआ, फिर वो चांद बन गया, बेसिकली गाना हमारा ही हुआ। सब लोगों ने बहुत ही बहुत बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। बन के बारिश के लिए तालियां। जो जर्नी स्टार्ट की थी एक्टिंग में, एज एन थिएटर किया था मैंने उत्तराखंड में, तन्वी मेरा ग्रुप था, वहाँ से मैंने शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर दिल्ली में आई, फिर मैंने मुंबई में भी थिएटर शुरू किया, और अभी लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा थिएटर स्टॉप हो गया है, थिएटर की बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हो गई है। बट अभी फिर मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं कैटलॉग शूज़, फैशन शोज़, ये सारी चीज़ें भी करती हूँ, और एक्टिंग में भी आप देख ही रहे हैं। बारिश के बारे में, बारिश सबसे पहले तो बारिश सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब यहाँ मुंबई में भी जब फर्स्ट अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो बहुत मतलब अंदर से खुशी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बोला मैं नेचर के बहुत क्लोज हूँ, तो बारिश भी उसमें से एक ही चीज़ है, तो मुझे एक अंदर से मतलब ये सारी चीज़ें नेचुरल, चाहे वो ग्रीनरी हो, फ्रूट्स के पेड़ हो, या ऐसे बारिश हो, तो मुझे अंदर से देखते ही बहुत खुशी मिलती है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स में। तो बारिश एक शब्द है जो सुन के ही सबके मुँह पर एक स्माइल ही आती है, और सबको मन करता है कि वो बारिश में भीगें और चाय पिए, पकौड़े खाएं, बातें करें, बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ देखें, तो बारिश तो यही मेरे को माइंड है। नहीं वैसे बारिश का क्या है ना, अभी ये जो 2 महीने इतनी भयानक गर्मी रही है ना, तो अभी गर्मी है तो बारिश का तो वैसे भी हम सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, और उसी के साथ ऐसा गाना भी आ जाए, एक तो बारिश का सुकून और बस गाने के म्यूज़िक का सुकून अच्छा होने वाला है। अभी सॉन्ग, हाँ जी, सॉन्ग्स बास्केट एक्चुअली इट्स नॉट टोटली माइन, मतलब मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और मतलब रेगुलरली सॉन्ग्स करता हूँ उनके साथ, और बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे उस चैनल पे हिट हुए, बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स। एक सॉन्ग था उस पर जब जब तुझको याद करो, वो भी सिर्फ उसका ऑडियो 10 मिलियन के क्रॉस कर गया, उसको काफ़ी अच्छा जाता है। फिर कितना मज़ा एक सॉन्ग, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है उस पर, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो उस पर लोग पब्लिक उसको पसंद करती है, तो इसलिए ये सॉन्ग भी हमने चूज़ किया कि हम उसी पे करते हैं, क्योंकि सारी ऑडियंस ऑलरेडी है वहाँ पर और सब लोग वेट करते रहते हैं अच्छे सॉन्ग्स का। और जहाँ तक बारिश के सॉन्ग का सवाल है, मैं हर साल कोई ना कोई बारिश का सॉन्ग करता रहता हूँ, और सबसे मैंने मेरा पहला जो बारिश का सॉन्ग जो लोगों ने बहुत पसंद किया था, वो था इश्क वाली बारिश, उसके जो लिरिसिस्ट है आनंद जी, उनके साथ मेरा बारिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है, वही ना जो स्नेहा उलाल के साथ, स्नेहा उलाल के साथ वाला, वो TCS से रिलीज़ हुआ था। बट उसके बाद फिर से और एक बारिश का सॉन्ग किया था मैंने, जाने क्यों बारिश में मुझे याद पुरानी आती है, वो भी उसमें भी लिरिसिस्ट आनंद जी थे। और तीसरी बार फिर से हम अभी बारिश का सॉन्ग कर रहे हैं, उसमें भी लिरिसिस्ट आनंद जी है, तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा बारिश का सक्सेसफुल रहा है, तो इसीलिए सोचा हमने इस बार बारिश आ रही है तो इस बार बन के, वो TCS से रिलीज़ हुआ था। बट उसके बाद फिर से और एक बारिश का सॉन्ग किया था मैंने, जाने क्यों बारिश में मुझे याद पुरानी आती है, वो भी उसमें भी लिरिसिस्ट आनंद जी थे। और तीसरी बार फिर से हम अभी बारिश का सॉन्ग कर रहे हैं, उसमें भी लिरिसिस्ट आनंद जी है, तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा बारिश का सक्सेसफुल रहा है, तो इसीलिए सोचा हमने इस बार बारिश आ रही है तो इस बार बन के बारिश मुझ पर तुम बरसोना रिलीज़ किया जाए। बन के बारिश के साथ साथ मैं क्या नाम था हमारे दूसरे गाने जो आने वाला है, हाँ इसके साथ और एक आने वाला है, तेरा मेरा इश्क, मेरा इश्क जो है हमारा अल्ताफ भाई और मेरा, हम लोग अभी जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल का गैप क्यों लिया, तो हम लोगों ने एडवांस में वो दिल पे बात ले चुके थे इनकी, जो इन्होंने अभी पूछी मुझसे, तो इसलिए हमने वो दूसरा गाना भी हिट ऑलरेडी शूट कर चुके हम लोग, वो इसके 10 या 15 दिन के बाद जब ये एकदम हिट फ्लो पे चला जाएगा तब हम तेरा मेरा इश्क जो है उसको रिलीज़ करेंगे, वो भी बहुत प्यारा गाना है, वो आ रहा है। बाकी फिल्में हैं लाइनअप, अभी डिसेंट बॉय रिलीज़ हुई थी मेरी, रवि किशन जी थे उसमें, गोविंद नामदेव जी थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। फिर मैक्सी हुई है रिलीज़, उसमें जॉनी भाई हैं अपना, संजय मिश्रा जी हैं, अभी रिलीजिंग पे नारी फिल्म है मेरी, तेलुगु तमिल कन्नड़ा फिल्म में रिलीज हो रही है, अगेन तो अल्ताफ भाई अगेन उसमें भी हम लोग साथ में, मतलब म्यूजिक मेरा है, नारी फिल्म में सॉरी सिंगिंग अल्ताफ भाई का ही म्यूजिक है और गाने भी उसमें अल्ताफ भाई के, नारी फिल्म में वो 3 लैंग्वेज में बन रही है फिल्म, तमिल तेलुगु कन्नड़ा में। बस आप सबका प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, हम लोग करते रहेंगे अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा बनाएंगे, हम लोग अच्छा ही बनाते हैं, बोल्ड इतना रखते नहीं है सिनेमा में, क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो कल्चर से रिलेटेड है, कितना भी वेस्टर्न बाहर से एंट्री करने की कोशिश करे बॉलीवुड में, ड्रेस अप हम वैसे रखेंगे लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे। थैंक यू, वंदे मातरम। नहीं नहीं गाना सुना देते, हाँ गाना कर लो।
तो हाँ कि तुम हो रोशनी मुझ पे थोड़ा बिखरो ना, मेरे दिल की इन गलियों से तुम एक दफा गुजरो ना, नजरों से औरों की बचा कर दूर ले जाना है कहीं, तुमको अपने दिल में छुपा कर हमको छुप जाना है कहीं, है इतनी सी गुजारिश मुझ पे नजर करम कर दो ना, बन के बारिश तुम एक दिन मुझ पे जम के बरसोना, बन के बारिश तुम एक दिन मुझ पे जम के बरसोना। थैंक यू।